आइए आज हम 51 से लेकर के 60 नंबर तक, जिसकी 10th डिजिट पर 5 लिखा हुआ है, उन नंबर का स्क्वायर निकालने की एक तरीका बता रहा हूं। आप अपने मन में बसा लीजिए, तो कभी भी जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये है 51, फिर 52, कोई भी नंबर 50 वाला, 53, ऐसे करके 58, 59, कोई भी नंबर आप ले लें, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इनका स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए, तो कोई भी नंबर इसका स्क्वायर आप निकालने जा रहे हैं, तो क्या करें? देखिए, इसका स्क्वायर तो 25 होगा, ये लिख लीजिए। उसके बाद इसमें ये वन है ना, तो वन प्लस करिए और इसके बाद वन का स्क्वायर लिख दीजिए। वन का स्क्वायर वन होता है, तो 0 1 लिख दीजिए। तो ये क्या आएगा? इसमें 25 में एक जुड़ जाएगा, तो 26 0 1, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। आप 51 को 51 से मल्टीप्लाई करके देख लें, यही मिलेगा। आइए इसको देखते हैं। इसमें देखिए, सब में 25 तो आप लिख ही दें, प्लस ये जो यूनिट डिजिट है इसी को इसमें ऐड करना है, और इसके बाद इसका स्क्वायर लिख देना है, लेकिन 2 डिजिट में, मतलब 0 4। तो ये क्या आने वाला है? देखिए, 25 और 2 27 और 0 4, कितनी आसानी से आप स्क्वायर कर ले रहे हैं। जैसे 53 है, तो 53 में क्या आएगा? देखिए, 53 ये 25 हो गया और 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 28, और इसका स्क्वायर 3 3 9 होता है, ये आएगा। देखिए, एक ही लाइन में एक बार में आप इसको लिख पाएंगे, करके देखें, बिल्कुल यही आएगा। यहां देखिए, जैसे हम सारे करके बताते हैं, 54 है, 54 में क्या करना है? इस 25, इसका स्क्वायर 25, इसमें 4 जोड़ दीजिए, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 आएगा, और इसका स्क्वायर आगे लिख दीजिए, बस यही आएगा। आइए देखिए, 55, 55 है, तो ये 5 का है, गया 25, और ये 5 उसमें जोड़ दीजिए, हो गया 30, और आगे 25 इसका स्क्वायर लिख दिया जाता है। तो कितनी आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर ले रहे हैं। फिर देखिए, जैसे 56 है, 56 का स्क्वायर आपको लिखना है, तो क्या करना है? ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 6 यानी 31, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई, 36। देखिए, ये तुरंत जैसे ही इधर है, मुश्किल से 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में इसका स्क्वायर आपको मिल जाता है। देखिए, सारे पर लागू होता है यही रूल्स, ये जिसमें 10th डिजिट पर 5 लिखा हुआ है उसमें लागू होता है। देखिए, जैसे 57 है, तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर करके 7 जोड़ दीजिए, तो 25 और 7 32, ये हो गया, और इसका स्क्वायर इसके बाद लिख दीजिए, बस यही आंसर। टाइम देख करके करो ना, बहुत कम समय में इस चीज को आप कर लेंगे। अब देखिए, 58 जैसे लिखा हुआ है, तो 58 में देखिए, ये 5 का स्क्वायर 25 और 8 उसमें ऐड कर दें, तो 33 हो गया, और 8 8 जा 64, कितनी आसानी से तुरंत आप लिख ले रहे हैं। अब 59, तो 25 और 9, 34 और 9 9 जा 81, देखिए कितनी आसानी से इस स्क्वायर को आप कर ले गए। तो आप करके देखिए ना एक बार, हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क पे अगर ये चीज बैठ गई तो हमेशा काम आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, किसी भी कंपटीशन के लिए, कहीं भी आप यूज कर रहे हैं, तो इन तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए कि जब भी मैं अपना वीडियो कोई डालूं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।